इट्स अ न्यू डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, और आज फिर से स्नोफॉल हो रही है। आज है 3rd of February और मस्ती देखो आप यहाँ पे। तो यस, फुल फ्लेज में स्नोफॉल फिर से लग गई है और फरवरी के मंथ में भी अच्छी स्नोफॉल हो रही है। तो अभी आपको दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत स्नो का नज़ारा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और ये देखो क्या मस्ती कर रहा है। क्या है भाई इसमें? पूरे फुल फ्लेज मजे 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 मजे। ये स्नोफॉल अच्छी हो रही है और आज पूरे दिन की प्रेडिक्शन है 3rd की, और कल की भी प्रेडिक्शन है। पता नहीं अब कितनी स्नोफॉल आज और कल में होती है, और आई होप कि अच्छी स्नोफॉल हो जाए, ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए 1-2 फुट के करीब, तो मज़ा आ जाएगा फिर से यार। और पेड़ों की बात करें तो पेड़ देखो कितने सुंदर हो गए फिर से, क्रिसमस ट्री बन गया है पेड़ों का। और जैकेट मेरा बिल्कुल तरह से भीगने वाला है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए। लाइट अभी गई हुई थी तो थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है, एंड यस मज़ा आ रहा है। फिर भी बर्फ लगी रहती है। अगर अभी हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अराउंड -5, -6, -7 के करीब होगा। मैंने हालांकि चेक नहीं किया, पर मुझे पूरा अंदाज़ा है कि इतना तो होगा ही होगा। और आप देखो स्नो कितनी तेज़ी से लगी है, स्नो कितनी प्यारी स्नोफ्लेक्स गिर रही है आसमान से। और अगर अभी आप देखेंगे तो सामने कुछ भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि फॉग सारे में दिख रही है, ये देखो आप। और ये इस बार काफ़ी दूर तक स्नो जाएगी। ये अभी कुफरी वाला इलाका है जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आई एम डैम श्योर कि नारकंडा में भी इससे ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इतनी तेज़ है तो, नारकंडा तो हाइट का इलाका है तो वहाँ तो इससे ज़्यादा स्नो होनी ही है। ये देखो ये पूरा एप्पल का ट्री, और एप्पल के ट्री में स्नो ही स्नो सारे में। ये देखो कितना सुंदर हो गया ये पेड़। और बाकी भी है यहाँ पे नॉर्मल जो बिना एप्पल वाले ट्री है उसमें भी ऐसा हो गया है। और ये तो फुल ये ले रहे हैं ज़िंदगी के मज़े, तो असली ये ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। बात करें अभी कुफरी और नारकंडा की, तो वहाँ भी काफ़ी तेज़ स्नोफॉल हो रही है। ये थोड़ा सा लो हाइट है कुफरी और नारकंडा की कंपेरेटिवली, अगर यहाँ पे इतनी हो रही है तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी इस टाइम पे। यार इसको जितना जैसी वीडियो चलती है साला वैसी हट जाता है, जैसी कंटेंट मिलने वाला होता है वैसी भाग जाता है ये। तो मैं आपको बता रहा था कि नारकंडा और कुफरी में तो काफ़ी ज़्यादा स्नो हो गई है इस टाइम पे, और अभी भी लगी हुई है, और लगभग 1/2 फीट के करीब तो ये हो जाएगी, मतलब 2 ही घंटे में, 2 घंटे के अंदर अंदर 1 फीट के करीब बर्फ़ हो जाएगी अगर इसी स्पीड से चली रही, क्योंकि बर्फ़ जो है वो बहुत तेज़ लगी है। और अभी तो फ़िलहाल रोड जो है वो बंद हो गए होंगे इस टाइम तक, तो अभी तो किसी का भी आने का कोई भी मतलब स्कोप है नहीं है यहाँ पे आने के लिए, पर कल परसों से फिर से रास्ते खुल जाएंगे और फिर से स्नो सबको देखने को मिल जाएगी। मुझे 5-7-10 मिनट हुए हैं रूम से बाहर आके, और मेरे ऊपर बहुत सारी स्नो जम गई थी एकदम से ही, मुझे ठंड सी महसूस होने लग गई थी। और आप भी देख सकते हैं कितनी सारी स्नो हमारे ऊपर जम गई, और ये देखो इसके ऊपर भी कितनी स्नो जम गई है, पर इसको ठंड तो लगती नहीं है। तो यस मैं आपको बता रहा था कि अभी जो मेरी गाड़ी तो बिल्कुल जाम है, तो कहीं पर हम जा नहीं सकते, नहीं तो आपको आज हैवी स्नो ड्राइविंग दिखाता मैं। पर अभी जो है वो स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गई है, तो हमारी गाड़ी अभी ऐसे में चल नहीं पाएगी मुझे लगता है। और अभी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि नेशनल हाईवेज भी बंद हो गए हैं, क्योंकि अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहीं पे जाना था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो भी बसेज है वो सारी अभी रुक गई है चलनी। पर अभी सारा ये वो थिट है, क्योंकि इतना सही मौसम, इतना सही नज़ारा,
ऐसे ही वक्त पे देखने को मिलता है, साल में एक ही बार देखने को मिलता है। तो यस, इसको एंजॉय करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने घूमने आना है तो आ सकते हैं, अब कल परसों से आप लोग फिर से आ सकते हैं। स्नोफॉल हो गई और इस बार कोई भी डिसअपॉइंट होकर नहीं जाएगा, क्योंकि स्नोफॉल फुल फ्लेज में चली है, पूरे मज़े आ रहे हैं स्नोफॉल के जो भी लोग। यस, यही कुछ मैं आपको छोटा सा एक अपडेट देने के लिए आज आया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन एंजॉय सेल्फ, दिस इज मोहित कंवर साइनिंग ऑफ।